वंदे मातरम मित्रों, मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पेट का दर्द का अंत तुरंत इस श्रृंखला में आज आपको बताने के लिए, पेट के दर्द के लिए आप क्या करेंगे। चाहे आपके पेट में कैसा ही दर्द हो, कब्ज की वजह से हो, गैस की वजह से हो, अफारे की वजह से हो, या किसी और वजह से हो, मानसिक तनाव की वजह से भी हो, उसमें आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा जो जो मैंने आपको बताया है। आप क्या करेंगे, एक चम्मच लेना है आपने आंवले का चूर्ण, और एक चम्मच लेना आपने बेलगिरी का चूर्ण। दोनों को ले लेनी है एक एक चम्मच, और दो चम्मच ले लेनी है आपने प्याज का रस। जो इंसान प्याज का रस ना ले, वो दो चम्मच कागजी नींबू का रस ले ले, और जो दो इंसान प्याज का रस ले सकता है तो साथ में दो चम्मच कागजी नींबू का रस हो गया, दो चम्मच प्याज का रस हो गया, एक चम्मच आपके पास आंवले का पाउडर हो गया चूर्ण, और एक चम्मच हो गया बेलगिरी चूर्ण, ठीक है। साथ में एक चम्मच शहद ले लीजिए, टोटल आपके पास हो गई सात चम्मच। दो चम्मच नींबू का रस, दो चम्मच प्याज का रस, एक चम्मच आंवले का पाउडर, एक चम्मच बेलगिरी का पाउडर, और एक चम्मच आपके पास हो गया शहद। अब जो इंसान बोले कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते, उसके लिए ऑप्शन है, उस जगह पे आप पानी ले लीजिए। अब वो पानी कैसे लेना है बताऊंगा। जैसे आपने सारी चीज़ मिक्स कर ली, मिक्स करने के बाद उसके तीन खुराक बन गए, हर दो दो घंटे के उपरांत लेनी है आपने, तो करना क्या है, जैसे आपने सात चम्मच हो गई खट्टी, तो उसका अच्छे से घोट लीजिए। घोटने के बाद आप क्या करेंगे, एक गिलास पानी को इतना गर्म करोगे कि आपके पास हो गया आधा गिलास, और उस पानी को नॉर्मल होने दीजिए रूम टेम्परेचर पे। जो प्याज नहीं लेगा उसके पास सात चम्मच नहीं बचेंगे, उसके पास पाँच चम्मच बचेंगे, और जो प्याज का जूस लेगा उसके पास सात चम्मच होगी। तो आपने इन दोनों को ही आपने तीन भाग में बांट लेना, चाहे सात चम्मच हो प्याज के रस के साथ, चाहे प्याज का रस ना हो तो पाँच चम्मच, तो भी तीन भागों में आपने बांट लेना है। तो आपने पहले एक चम्मच को लिया, थोड़ा सा मुँह में रखिए, मुँह में चूसिए, ऊपर से एक घुट पानी पी लीजिए, फिर थोड़ा सा और मुंह में रखिए, थोड़ी देर चूसिए और एक घुट पानी पी लीजिए, मतलब चम्मच का चौथा हिस्सा। आपने एक चम्मच के चार भाग बना लेने, कम से कम तीन, ज़्यादा से ज़्यादा चार, और ऊपर से पानी पीते रहिए। आप पीते पीते अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे, मतलब पेट का दर्द आपका शांत हो चुका होगा। ये दिन में प्रक्रिया तीन दफ़े दोहरानी है, उससे आपका सिर में दर्द है वो भी ठीक होगा, पेट में दर्द है वो भी ठीक होगी, कब्ज है वो भी ठीक होगा, गैस अफारा है वो भी ठीक होगा। ये प्रक्रिया करनी है, अगर आप कर सकते हैं तो आपका संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि सारी बीमारियां का जड़ हमारा पेट है। तो उदर जन्य रोग जितनी भी हैं, पेट से संबंधित जितनी बीमारियां, वो आप इन प्रक्रियाओं के द्वारा अपने आप को पूर्ण रूप से ठीक कर पाएंगे। तो कृपया करके इस वीडियो जो मैंने बनाया है, जनहित में सबकी तरफ फैलाइए, ताकि कोई भी इंसान मुसीबत में पड़े, जहाँ पर कोई डॉक्टर की सुविधा ना हो, इन छोटे छोटे नुस्खों के द्वारा अपने आप को एकदम तुरंत रिलैक्स कर ले और दोबारा से उसको बीमारी आए ही ना। तो ये प्रक्रिया के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम।